खरगोन जिले में वर्ष 2017 में बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया गया था। योजना का काम धीमी गति से चलने से किसानों में आक्रोश पनपने लगा है। गुरुवार को नागझिरी बड़गांव के किसान एनवीडीए अधिकारी से मिलने पहुंचे। यहां योजना के काम में तेजी की मांग की है। किसानों ने कहा कि इस वर्ष कम वर्षा हुई है, जल स्रोत सूख चुके हैं। रबी सीजन के लिए अब किसानों को उद्वहन योजना से आस है। यदि समय पर पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान अनिश्चितकालीन धरने को बाध्य होंगे। अधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि कुछ तकनीकी कमियों के दूर होते ही पानी छोड़ा जाएगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये अभी हमारे बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना जो है, इसमें पानी मांग रहे हैं लोग, क्योंकि अभी इसका जो है काम थोड़ा बहुत बाकी है। और इसका जो एग्रीमेंट है वो हमारे अप्रैल 2021 तक इसका जो है टाइम एक्सटेंशन है। फिर भी हमारा कोशिश है कि इसके पहले जितना जल्दी से जल्दी हो सके, 30 तारीख या उसके 15 तारीख तक जो है हमारा लाइन कनेक्शन होने के बाद इसमें हम कमीशनिंग की जो है कार्रवाई करेंगे, मतलब पानी छोड़ने की स्थिति बनेगी। चक्का जाम की बात भी कर रहे हैं, अगर समय पर कहाँ मतलब कार्रवाई तो अपन पूरा प्रयास है कि ऐसा नौबत नहीं आने दें, पहले ही हमारा जो है काम जो है पूरा कर लें। और ये हमने ठेकेदार को भी निर्देश दिए हैं कि इस समय में जो है, चूँकि अभी उसको और छोटे छोटे 2.5 हेक्टर तक के काम कराना है, तो मार्च अप्रैल तक जो है वो होता रहेगा। लेकिन हमारा कमीशनिंग जो है लाइन टेस्टिंग का काम अभी हम 15-11 में जो है, ये 10वें महीने चल रहा है, 15-11 या फिर 30-10 तक काम पूरा मतलब कमीशनिंग की कार्रवाई करेंगे। सर आपका शुभ नाम? MS परस्त। किस पद पे? कार्यपाल में। नहर को लेकर आए थे बिस्टान उत्वन योजना, नहर को चालू करवाना थी। 15 सितंबर उन्होंने हमारे को दिए थे चालू करने के लिए, सभी किसान आए थे उस दिन, 150 किसान आए थे। 15 सितंबर को चालू कर देंगे ऐसा बोला था, लेकिन अभी तक नहीं चालू। और उसी को लेकर रात को गांव पर मीटिंग हुई थी किसानों की, जो किसान बहुत आक्रोशित थे। और आक्रोशित होने के साथ साथ उन्होंने ये बोला कि अगर ये समय पर नहीं चालू करते हैं तो हम वहाँ पर धरना देंगे 1000 किसान जाके विभाग के सामने, और अगर ये जब तक चालू नहीं करेंगे तब तक हम वहीं रहेंगे, टेंट गद्दियाँ लेके जाएंगे, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं रहेंगे। वो काम करेंगे हम, वो उधर यहाँ काम करेंगे और हम यहाँ पर बैठेंगे, जिस दिन पानी चालू होगा उसी दिन यहाँ से खड़े होकर जाएंगे। अभी आप लोग जो बैठे थे अंदर, साफ से चर्चा क्या निर्णय लिया उसमें? तो साहब ने निर्णय लिया उसमें, साहब क्या, साहब तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, साहब ने तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदार हैं उसमें उनका जो मैनेजर है इमरान, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वो पिछले 2 महीने से किसानों को गुमराह कर रहा है, 2 महीने से डांट का बहाना ले रहे हैं, 2 महीने से डांट का बहाना ले रहे हैं कि मेरी डांट दर्द कर रही है और आते नहीं है। अभी तीन अधिकारियों ने अलग अलग फ़ोन लगाए उनको, तो एक को 5 बजे का समय दिया, एक को 3 बजे का दिया और किसी को बोला कि 2 बजे आता हूँ। मतलब वो भी इनको गुमराह कर रहा है, वो आना भी नहीं चाह रहा। कब तक आप पानी छोड़ने की बात कर रहे हैं? हम तो पानी, हमारे को 1 महीना वैसे भी लेट हो गया, हमारे को 30 सितंबर का बोला था, पर 30 अक्टूबर तक भी अगर वो पानी छोड़ देते हैं तो किसानों की दूसरी फसल लग जाए। अगर समस्या हल नहीं होती क्या आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अगर समस्या हल नहीं होगी तो यही कार्रवाई है कि सभी किसान आएंगे, 1000 से ज़्यादा किसान आएंगे 3-4 गांव के, क्योंकि ये लोअर 1 से लोअर 2 के बीच में कम्प्लीट हो चुकी है, इसको चालू करवाने के लिए डिमांड है, 4-5 गाँव इसमें है, तो इन लोगों की चालू हो जाएगी, ये कम्प्लीट है तो इसको चालू करवाने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? सतनाम कुशवाहा। बड़गांव से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।